बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं, ना कि किसानों और मजदूरों के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को राजनीति में प्रतिबंधित करना चाहिए जो जनता से जीत कर नहीं आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वह समाधान यात्रा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कैमूर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। अच्छा, उस सिलेक्टेड जनसुराज पदयात्रा के दौरान सीवान में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ होंगे। बिहार में भाजपा को वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग लालू यादव के जंगल राज से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव के लालटेन को इसलिए वोट मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम विरोधी पार्टी भाजपा से बचा जा सके। भैया शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाए इतना तो बिहार में सुधार हो। रोवा हमरा के बताई कि अपना जीवन में कभी आपने हमने शिक्षा के लिए वोट दिया है? जब रोवा शिक्षा का भी वोटे नहीं दे तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी कैसे? कहता नहीं कि भ्रष्टाचार से परेशान बानी, तो भ्रष्टाचार पर रोवा कहाँ वोट देता थी? 500 रुपया लेके मुखिया को वोट दीजिएगा, अब फिर सोचिएगा कि मुखिया आके ईमानदारी से काम करे, दोनों बात तो नहीं होगा रे भाई। 500 रुपया लेके वोट दे आ सोचो कि मुखिया जो यहाँ तो ईमानदारी के पाठ पढ़ी हम लुटबे न करी भाई। गया में पिछले दिनों जदयू उपाध्यक्ष सुनील सिंह की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। सांसद विजय मांझी ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया है, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। जो जानकारी मिली पुलिस जो काम कर रही बहुत संतोषजनक है, और जो घटना के बारे में जानकारी बहुत दुखद घटना हुआ है। हमारे पार्टी का एक बड़े लीडर के जिला स्तर के बहुत अच्छे नेता थे, उनको हम लोग खो दिए एक तरह से, और हम लोग काफ़ी क्षति हुए, और हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द न्याय मिलेंगे, जितना जल्द गिरफ्तारी हो, सब गिरफ्तारी हो जाए, जितना पुलिस की नज़र में हो जाए, जो गिरफ्तारी हो जाए यही रहेगा, तो न्याय यही मिलेगा। परिवार की सुरक्षा दिलाने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए जो